दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दिख तो नहीं रहा। पक्का मम्मी का? नहीं कुछ मजाक नहीं है, खोलो। I really love you। राजा को रानी से देखो यार जो भी होगा, हाथ बात नहीं है। क्या है इतना गुस्से हो गए तो मुझे छोटी सी बात के लिए? अरे यार ये गलत बात, पहले बैठो तुम, पहले बैठो अपना फूल लो। मेरी आप सबसे गुजारिश है। हाय गाइस वेलकम टू माय वीडियो, मैं साक्षी। जैसे आपने देखा था आतिफ ने मुझे प्रपोज किया था और कितना बड़ा सीन हो गया था, और उस टाइम पे सच में मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो जेन्युइन सारा रिएक्शन था उस टाइम पे। तो अब मुझे ऐसा फील आने लगा है उसके ऊपर, मतलब ये सब होने के बाद ना सचमुच मैं उसके ऊपर मतलब सचमुच फील करने लगी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज उसके साथ जाकर उसे बुलाकर मैं उसे प्रपोज करूँ। तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ या फिर कुछ भी लगा, तो चलिए देखते क्या क्या उसका रिएक्शन रहता है। मैं कॉल करती हूँ पहले। हेलो, हाय आतिफ, कैसे हो? वो मुझे मिलना था, मुझे मिलकर तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो तुम आ सकते हो क्या? हाँ जी, मैं पार्क में हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तो गाइस आपने देखा वो रेडी है मिलने के लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। गाइस आतिफ आ रहा है, मैं फूल छुपा देती हूँ, बाद में उसे देती हूँ सरप्राइज। हाय, कैसे हो? क्यों मैं ऐसे नहीं बुला सकती? बुला सकती है, मतलब कुछ काम है क्या आपको मेरे से? नहीं नहीं कोई काम नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था तुमको। मुझे बोलना था? जी। मजाक कर रही हो क्या? मतलब वैसे भी तुम्हारे साथ मजाक करके बहुत लंबा सीन मेरे क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी बहुत लंबा सीन क्रिएट हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे पता नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से तुमने ऐसे बोल दिया ना, मतलब कितने टाइम ही हुए थे यार हमारे फ्रेंडशिप के, तुमने अचानक से बोल दिया, दिमाग से तुम डाइवर्ट से, मुझे लग रहा है ये झूठ तो नहीं बोल रहा, या फिर मतलब ऐसा अचानक से प्यार कैसे हो जाता है। बट मुझे अब रियलाइज हुआ है कुछ दिन मतलब दूर रहने के बाद, तुम तो बिल्कुल मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे मेरे से। पता बात क्या करना, जब हम दोनों के बीच और दीदी जो तुम्हारी आई थी, जब हम दोनों के बीच शॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद से तो मैंने कोई वीडियो वीडियो भी तो नहीं डाली कहीं पे। हाँ वीडियो भी नहीं डाली। शॉर्ट आउट हो गया तो मैं आपसे बात मतलब क्यों करूँगा बात? यार सॉरी फॉर के लिए, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो बेशक बोलो, बट अब मैं ना ये लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आपने दीदी को उस दिन बुला लिया था तो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया था, आपको तो पता ही है। यार देखो मतलब वो जो हुआ ना उसको भूल जाओ, मैं तो ये कहूँगी, मतलब होता है ना ये छोटी छोटी इंसिडेंट्स तो होती है, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या बात है? उसके लिए मैं सॉरी तो बोली, देखो मैं कान में पकड़ी उसके लिए सॉरी। जरूरत नहीं है ना उसके यार, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, आप बताओ। तो उस चीज को तुम बोलो, पहले सो रहा हूँ आपसे बात करते कि कोई सीन क्रिएट ना हो जाए यार। अब कोई सीन नहीं होगी, वो पता नहीं क्या हो गया था, मतलब हो गया था बस, अब उस चीज़ को भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि नया मतलब कुछ स्टार्ट हो हमारा। क्या बोलना चाह रही हो, खुल के बोलो। पहले वो पुरानी चीज़ को भूल जाओ, एकदम माइंड फ्रेश कर लो। ये गया पक्का? स्माइल करो पहले, ठीक है सब कुछ? बोला ओके। और बताओ खाना मैंने खा लिया? जाहिर सी बात है, 3 बज रही तो मैं खाना तो खाऊंगा ही। अच्छा 3 बज गया, देर हो रही है। अच्छा और तुम्हारा काम वाम सही चल रहा? नहीं यार ठीक, मन सा नहीं लग रहा था मेरा भी। मन सा नहीं लग रहा था? कुछ हो गया क्या तुम्हें? मन सा नहीं लग रहा ऐसे ही कुछ जान लो। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्या जानो भाई, तुम बताओ। यार सच बताऊँ तो पता नहीं, मतलब तुमसे मतलब अचानक से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बाद, मतलब तुमने जो प्रपोज कर दिया ना यार, उससे दिमाग मेरा भी थोड़ा सा डाइवर्ट सा हो गया। अब देखो बात को घुमाओ मत और हंसो मत, तुम हंसती तो पता नहीं मेरा ध्यान तुम्हारे क्या से हटता ही नहीं है। अच्छा जी ऐसा है, देख नहीं रहा। अच्छा अच्छा चलो बताओ, मैं फ्लडिंग करना नहीं। बोल दो। हाँ बताओ। पक्का? हाँ बोलो। पहले आंखें बंद करो तुम। ओ बेटा मेरा डायलॉग मेरे पे क्यों करो? नहीं 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 मेरा सिंपल सा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आंखें बंद करना पड़ेगा? हाँ आंखें बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, दिख तो नहीं रहा? नहीं। पक्का? मम्मी का। चलो ठीक है फिर तो। आतिफ अब खोलो। खोलो। यस
देखो कोई गंदा मजाक मत करना प्लीज। नहीं नहीं कोई मजाक नहीं, खोलो। मैं नहीं चाहता आप कुछ गलत हो, कुछ ये खोलो। मजाक तो कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ मजाक नहीं है, खोलो। I really love you। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? तुम पागल हो क्या? पागल यार, तुम पागल हो, ये एक्सेप्ट तो करो। नहीं ये फूल दिखा कर ये क्या है, मतलब तुम पागल वागल हो क्या? अब क्या तुम मतलब मेरा ही करोगे क्या? सीन मैंने बोला था ना, मेरे को सीन नहीं चाहिए, मैं लफड़ेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता। देखो आते मजाक नहीं है, ये सीरियसली है। मैं तुमको इतना दूर बुलाई, तुमको ऐसे ही बुलाऊंगी? बताओ मुझे क्या पता, मैंने ऑलरेडी मैंने तुम्हें प्रपोज करके देखो यार, जो भी होगा हाथ बात नहीं है। क्या इतना गुस्सा हो गया तो मुझे छोटी सी बात के लिए? बात नहीं यार, तुम मजाक मत करो यार प्लीज। मैं आपको हॉट मजाक नहीं है, देखो हॉट नहीं होना चाहता। पहले बैठो देखो, उस दिन के बाद मैं सच बता रही हूँ, उस दिन के बाद जाने के बाद पता नहीं मुझे अंदर सच में फील हो रहा, बहुत गिल्टी फील भी हो रहा था कि मैंने ऐसे क्यों दीदी को साथ में ले आया, दीदी को नहीं लाना चाहिए था मुझे। उसके लिए मुझे बहुत मतलब अजीब सा फील हो रहा। उसके बाद मतलब इतने दिनों जो गैप हुआ हमारे बीच बिना बात किए हुए, अपनी बात अपने पास रखो। मैं लफड़ो में मुझे पता है यार, कहाँ तुम कहाँ मैं, क्या मतलब तुम्हारे बराबरी लेवल का नहीं हूँ मैं, और तुम ये मजाक। अरे ये लेवल कहाँ से आ गई, जाना चाहता ना, पागल हो। तुम्हें पता है ना हमेशा लड़के कहाँ जा रहे हो, चूतिया करते थे मुझे पता है ना। अरे यार ये गलत बात, पहले बैठो तुम, पहले बैठो ना, फुल लो ऐसे करोगे तुम। अरे मैं मजाक में, दिमाग मत खराब करो। और मजाक कर रही हो क्या मुझसे? ये फूल तू पहले फूल उठाओ। मैंने उठा, फूल उठाओ, कह रही ना उठाओ, तुम उठानी पड़ेगी। देखो पहले बैठो, रिलैक्स होकर रखो, रिलैक्स होकर बैठो, एक मिनट मेरी बात तो मानोगे? देखो मतलब मैं अब किसी की फीलिंग हर्ट हो गई तो उसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ ना, अब मेरी फीलिंग जाग गई है तो दोनों में तो फीलिंग है ना यार। सॉरी है ना, सॉरी मेरी तरफ से है कि दीदी को मैंने लाया। मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता तुम पे, इसीलिए प्लीज। हक नहीं बनता, पहले हम लोग दोस्त नहीं थे? पहले हम लोग दोस्त नहीं थे? अब नहीं, सीन नहीं चाहता मैं, मुझे माफ करो बस, मुझे सॉरी, मैं गलती हो गया मुझे यहाँ पर। नहीं सुनोगे मेरी बात? क्या एक बार तो सुन लो, तो तुम जा कर मेरी बात तो सुनो यार। गाइस ये तो उल्टा ही हो गया, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ये होगा, मुझे लगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा जैसे वो लास्ट वीडियो में मुझे मतलब बताया था। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इतना गंदा सा फील आ रहा है यार, ऐसे इंसल्ट कर दिया।